हेलो फ्रेंड, वेलकम इन मिस्टर फिट टीवी। आज हम बात करेंगे ईगो लिफ्टिंग के बारे में। वेलकम टू मिस्टर फिट टीवी, योर वन एंड ओनली डेस्टिनेशन फॉर ऑल हेल्थ। आजकल इंडिया में ईगो लिफ्टिंग का बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है। अगर आपने देखा कोई बेंच प्रेस कर रहा है 90 केजी से और आपकी कैपेसिटी 60 है, तो आप ट्राई करते हैं 70-80 जाने की उसी दिन, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आपके मसल्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक बार अगर कोई आपको मेजर इंजरी हो गई या कोई माइनर भी हो गई और आप कंटिन्यूस जिम कर रहे हैं, तो मेजर में बदल जाती है और आपकी जो हेल्थी लाइफ है उसे पूरा डिस्ट्रॉय कर देती है। आप फ्यूचर में जो प्रॉपर आप नॉर्मल जिम कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आप कभी भी ईगो लिफ्टिंग में नहीं जाए। सबसे ज़्यादा बेंच प्रेस और डंबल जो यूज़ करते हैं बाइसेप्स में, इसमें मैंने देखा है ईगो लिफ्टिंग सबसे ज़्यादा होती है। आप अगर जिम में आ रहे हैं तो आप अपनी जो अपनी पर्सनैलिटी है उसे इंक्रीज़ करने के लिए और अपने जो हेल्थ है उसे इंक्रीज़ करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ईगो लिफ्टिंग आप करके अपनी हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं और आपके जिम में आना टोटल निगेटिव हो जाता है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप नॉर्मल जो आप वेट यूज़ कर सकते हैं, जो मैक्सिमम वेट यूज़ कर सकते हैं, उससे थोड़ा कम में ही अपने रैप्स निकालें, क्योंकि आप रैप्स निकालने में आपको रिपीटेशन बहुत ज़्यादा करने होते हैं। तो आप जिसमें कम से कम 6 से 7 रैप निकाल सके केवल वो ही वेट यूज़ करें, उससे ज़्यादा वेट आप यूज़ मत करें। और आप जो जिस काम के लिए अपने जिम आए हैं उसे आप उसे पे ही ध्यान दें।